सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिस्टर इंडियन टेक एंड एंटरटेनमेंट और पास में इस घंटी के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप देख सको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन टेक एंड एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटे का ऑप्शन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिल्मोरा में एडिटिंग करना चाहते हो या फिर फिल्मोरा में सबसे पहले एडिटिंग सीखना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं एडिटिंग फिल्मोरा में पीसी में, तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल एंड आसान मतलब स्टेप्स में बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हो फिल्मोरा में एडिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने फिल्मोरा को अपने पीसी में डाउनलोड करके रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया डाउनलोड तो कैसे करते हैं डाउनलोड, अगर आपको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करते हैं फिल्मोरा को अपने पीसी में डाउनलोड, तो अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मतलब इसका वीडियो चाहिए, तो मैं दोस्तों उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने करके रखा है तो उसको ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, पर ये दोस्तों पेड एप्लीकेशन है। अगर आपको इसका फ्री वाला वर्जन चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बता दूंगा उसके आपको उसको लाइफ टाइम के लिए फ्री में कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं इसको फ्री में लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट किया, मैंने कोई इसके लिए पे चार्ज नहीं दिया है। तो फुल फीचर मोड में क्लिक कर देना है, फुल फीचर मोड जैसे ही ओपन होता है उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, बस ये इंटरफेस शो हो जाएगा इसका, मतलब ये ओपन हो गया है। बस आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने जो मीडिया फाइल्स इसको इंपोर्ट करना है। तो देख दोस्तों, अगर आप मीडिया फाइल्स यहाँ से सीधा इंपोर्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो मतलब खींच के यहाँ पे लाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली सबसे पहले अपना वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से किया था। तो इसमें एक अच्छी बात है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ता, इसमें प्री इनबिल्ट देता है ये फिल्मोरा पीसी। देख लीजिए दोस्तों, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन ये फिल्मोरा प्री इंस्टॉलेड देता है, मैं अभी इसी का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो बस उसके बाद बस आपको अपना इंट्रो और जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मेरा इंट्रो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ मेरा। एक तो सब्सक्राइब वाला वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एक वो इंट्रो है, मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला ये रहा मेरा सब्सक्राइब आइकन वाला वीडियो और बेल आइकन वाला वीडियो, और दूसरा मेरा ये रहा मेरा इंट्रो। तो एक सौ देख लीजिए दोस्तों, आ गया है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं मेरे यहाँ पे चैनल का जो PNG है वो भी यहाँ पे लोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो जो वीडियो में लगाना है वो बस सिंपली आप यहाँ से लोड कर दीजिए सब कुछ। तो ये रहा मेरा फोल्डर और ये रहा मेरा PNG। तो इसको मैं खींच के यहाँ पे ला देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरी चार फाइल्स यहाँ पे जो है इम्पोर्ट हो गई है। उसके बाद बस कुछ नहीं, आपको सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन वाला वीडियो रखना चाहते हो तो वो यहाँ से खींच के आपको यहाँ पे लेना है वीडियो वाले फाइल में। ये वीडियो वाली लेयर है, वीडियो वाला है लेयर फाइल है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका जो सब्सक्राइब वाला बटन वीडियो है वो आपको यहाँ पे ला देना है। उसके बाद अगर आप अपने इंट्रो बनाए हुआ है तो वो भी ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे इंट्रो भी ला देता हूँ। तो इंट्रो लाया, जैसे मैंने इंट्रो भी आ गया, उसके बाद मैं आपको मेरा रिकॉर्डर का एक स्क्रीन रिकॉर्डर का एक वीडियो बनाया था वो भी आपको यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तीन वीडियो यहाँ पे अभी आ गए नीचे में। तो यहीं पे खेले, बस यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या रखने हैं आपने, एनिमेशन क्या क्या रखने हैं, क्या क्या टेक्स्ट डालना है वो। तो देखिए दोस्तों, वीडियो तीनों इम्पोर्ट हो गई है बस नीचे लेयर्स में भी। तो देख रहे दोस्तों, तीनों अलग अलग है। सबसे पहले सब्सक्राइब बेल आइकन वाला वीडियो, उसके बाद इंट्रो, उसके बाद मेरा वीडियो। तो देख रहे दोस्तों, अगर आपको ये देख रहे दोस्तों, ये वीडियो है और ये नीचे ऑडियो है, मतलब इसमें जो ऑडियो क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे रुका है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, बस वो आपको देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको पता है कि अगर आपको लगता है कि आप वीडियो में कुछ गलत है या मिस्टेक हो गई, मतलब कहीं पे आपकी आवाज़ चूक गई है, मतलब आपने सही नहीं बोला है, आपकी आवाज़ मिस्टेक हो गई, तो आप उसके लिए दोस्तों इसमें बहुत अच्छा फीचर है, आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो दो भागों में। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा कुछ गलत है, गड़बड़ी हुई है, तो बस आपको यहाँ पे इस पॉइंटर को जहाँ पे ला देना है उसके बाद यहाँ से आपको कट कर देना है, स्प्लिट कर देना है। तो देख दोस्तों, आपका वीडियो है जो दो भागों में यहाँ पे कट हो जाएगा। तो देख लो, दो भाग बन गए मेरे, एक वीडियो था पहले, दो भाग बन गए। तो उसके बाद बस आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद बस कुछ नहीं, आपको अगर जो तीनों वीडियो, अगर इसमें वीडियो में कुछ एडिटिंग करनी है, मतलब इसमें वीडियो में मतलब आपको कुछ एडिट करना है, मतलब वॉइस और ब्राइटनेस वो भी है, सैचुरेशन है,
तो उसके लिए बस आपको उस पर जाना है, वीडियो पे क्लिक कर देना है जिसमें भी आप चेंज करना चाहो। बस उसके बाद आपको अल्ट प्लस ई की प्रेस करना है, अल्ट प्लस ई। देख लो दोस्तों, वीडियो की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो गई है। बस यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेस्ट बढ़ाना चाहो वीडियो को वो भी बढ़ा सकते हो, सिचुएशन बढ़ाना चाहो सॉरी वो भी बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे सॉरी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहो तो वो भी बढ़ा सकते हो। देख लो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में पास में यहाँ पे बढ़ रही है, देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बढ़ाता हूँ, बस जीरो पे रख देता हूँ सब। तो बस उसके बाद बस ओके कर देना है, सॉरी ओके नहीं करना। बस आपको अगर ऑडियो में कुछ चेंजेस करना है इस वीडियो का ऑडियो में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे इस वीडियो का ऑडियो बढ़ाना है आपको, ज़्यादा बढ़ाना है कम है तो वो भी कर सकते हो, कम रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बढ़ाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद और कुछ फेड इन फेड आउट का ऑप्शन है जो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर अगर आप करना चाहो फेड इन फेड आउट तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद बस ओके कर सकते हो। उसके बाद बस अगर आपको इसमें भी करना है तो अल्टर ई, वापस वही प्रोसेस, वीडियो में कुछ वॉल्यूम चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो ऑडियो वीडियो में। तो बस यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब बात आती है यहाँ पे, अगर आप कुछ और PNG इसमें ऐड करना चाहो, मतलब अपने अपना लोगो ऐड करना चाहो वीडियो में, अपने चैनल का थम सॉरी कुछ और अपने चैनल के बारे में ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मेरा ये PNG लोगो है तो बस इसको खींच के यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों आपको इस वीडियो में नहीं लाना है, इसमें देखिए दोस्तों ये डबल वीडियो फाइल का कुछ है, इसमें आप PNG सारे जो होते हैं बस वो सारे इसमें ऐड होते हैं, PNG वाले सब जो भी होते हैं जो सब इसमें ऐड होते हैं। बस इसमें जाना है और देख लो दोस्तों, इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो जितना आप चाहो। देख लो दोस्तों मेरा यहाँ पे लोगो है, मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो दोस्तों बहुत छोटा हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। फिर देखिए दोस्तों अगर ये अब यहाँ पे देखिए ये यहीं तक है, तो हमारा हमारी वीडियो हमारा लोगो बस यहीं तक आएगा। उसके बाद हमारा देख दोस्तों लोगो हट गया है, तो इसको आप पूरी वीडियो में रखना चाहो तो बस इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में बस यहाँ पे किनारे पर आना है, इसको बस यहाँ पे देख लो दोस्तों, बस आपको यहाँ से आगे खींच लेना है पूरे वीडियो तक, मतलब अब देख लो दोस्तों आपका जो लोगो है पूरे वीडियो में चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे प्ले करके बताता हूँ मिस्टर इंडियन टेक एंटरटेनमेंट। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, हमारे दो लोगो हैं यहाँ पे ऐड हो गया था, तो यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ से इसको खींच के यहाँ पे भी ला सकता हूँ, तो आ गया है बस लोगो यहाँ पे। तो बस उसके बाद आपको अगर ने वीडियो में कुछ टेक्स्ट डालना है तो वो डाल सकते हो। तो कैसे करना है, तो उसके बाद आपको टेक्स्ट क्रेडिट वाली टैब में जाना है, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं और कुछ इसमें ऑटोमेटिकली मतलब इंस्टॉलेड है, कुछ आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये तो बस आपको पूरे वीडियो में आप अगर इनका पूरा वीडियो बनाना चाहते हो मतलब तो पूरे वीडियो के लिए है, अगर आप सिंपली बस कुछ अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो उसके लिए बस आपको लोअर थर्ड से इसमें जाना पड़ेगा, लोअर थर्ड्स में जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं पर आपको वो डाउनलोड करने पड़ेंगे दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन भी दिया गया है, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो उनको। बस उसके बाद यहाँ पे इनको भी खींच के नीचे ला देना है टी वाली टैब मतलब टेक्स्ट, तो ये यहाँ पे इनपुट हो गए हैं। बस आपको यहाँ पे जहाँ पे रख देना है जहाँ पे इसको रखना चाहते हो, तो उसके बाद बस आपको एडिट ही दबा देना है, इसको भी एडिट करना है मतलब इसमें आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम देते हो मिस्टर इंडियन टेक सॉरी एंड एंटरटेनमेंट, बस हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको खींच के थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ कि मुझे इसे सर्कल में ही रखना है, यहाँ पे ये रहा मेरा चैनल का नाम आ गया है। अगर इस टेक्स्ट में आप ऐड कुछ एडिट करना चाहो तो वहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ पे साइज का ऑप्शन भी है, कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने पिंक कलर कर दिया तो ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यार टेक्स्ट ऐड हो गया है, तो बस मैं यहाँ पे अभी प्ले करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मिस्टर एंटरटेनमेंट जो मैंने लिखा था यहाँ पे आ गया है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह का एनिमेशन है ये देख लीजिए दोस्तों चल रहा है वीडियो जहाँ तक होगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, देख दोस्तों बढ़ा सकते हो यहाँ आप इसको यहाँ पे। तो बस अब सॉरी डिलीट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे म्यूजिक की, म्यूजिक आपको यहाँ इसमें मतलब जो मिलेंगे उनको तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से ये है तो आप इनको इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, तो मेरे पास ये भी यहाँ पे एलन वॉल्कर का कोई है और जिमी यूसुफ का है, तो यहाँ पे मैं इस एलन वॉल्कर फाइल को यहाँ पे खींच देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसकी जो बस यहाँ तक रख देता हूँ मेरे वीडियो तक साइज। उसके बाद बस अगर आप इसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहो तो बस सेम वाला प्रोसेस अल्ट प्लस ई,
उसके बाद स्पीड तो इस ऑडियो की तो आप क्या करोगे यार चेंज करके, बस वॉल्यूम चेंज थोड़ा बहुत कम करना चाहो तो वो कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। तो देख दोस्तों आप वीडियो कैसी चलेगी आप देख लीजिए वीडियो, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिस्टर इंडिया, चैनल मिस्टर इंडियन टेक एंड एंटरटेनमेंट, और पास में इस घंटी के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप देख सको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। देख ले दोस्तों स्टार्ट हो गया था जो मैंने ऐड किया था वॉइस इसमें, तो बस उसके बाद अगर यहाँ पे बात आती है एनिमेशंस की, मतलब वीडियो के बिटवीन वीडियो के बीच में एनिमेशंस क्या रखना है कैसे रखना है, तो बस इस वीडियो पे जाइए और यहाँ पे ट्रांजिशन है इस पे जाइए, बस इस पे आपको जाने के बाद यहाँ पे कोई भी अच्छा वाला ले लेता हूँ जैसे कि मैंने लिया ये वाला, तो बस ये देख दोस्तों इन दोनों वीडियो बीच में आ गए, तो बस इस पे क्लिक करके बस ये ऐड हो गए हैं। तो मैं इसको जब प्ले करता हूँ तो अब वीडियो से स्टार्ट होता है, जब ये पहला वीडियो खत्म होता है तो देखते कुछ एनिमेशन आएगा और यहाँ पे कुछ और एनिमेशन कुछ अलग रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने देख लिया दूसरी वीडियो के बीच में ये वाला रखा है दूसरे और तीसरे के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो स्टार्ट ऐसे होगा स्टार्ट, तो बस उसके बाद बस कुछ नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट टैब है फिल्टर्स की, फिल्टर्स वाले टैब में यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हैं कुछ इफेक्ट्स है अलग अलग, वीडियो में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे अप डाउन है कुछ इस तरह का फिल्टर है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे देख लेता हूँ जो फिल्टर है मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है, अप एंड डाउन मतलब हिल रहा है, हिलने वाला फिल्टर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी, वीडियो हिल रहा है मेरा, तो बस उसके बाद और कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स है मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे, उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर वाले इफेक्ट्स भी हैं वो भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टैब है ओवरलेज की, ओवरलेज में यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, इसमें देखो नीचे वाले सब डाउनलोड करने पड़ेंगे, बस एक वाला है ये एक्वा वन, इसको यहाँ पे आप इसको भी से डाल कर दीजिए एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। तो देखो सोनी यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन टेक करके का आपका वीडियो दोस्तों, अगर सॉरी अगर आप इसमें भी कुछ एडिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे इसकी अल्फा मतलब इसकी ओपेसिटी है वो भी कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला हो गया बस, उसके बाद आपको यहाँ पे बात आती है एलिमेंट्स की, एलिमेंट मतलब जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिए हुए होते हैं, बस आपको कुछ अलग विशेष कुछ टेक्स्ट ऐड करने होते हैं तो वो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो आपको अगर यहाँ पे इस तरह के वेब आइकन ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हो, इसमें जो इनबिल्ट नहीं दिए उनको डाउनलोड तो करना पड़ेगा आपको, इमोजीज ऐड कर सकते हो, ये पेट्स हैं और यहाँ पे बेजेज हैं मतलब कौन कौन से बेज है इसमें, ये देख दोस्तों इसमें कुछ बेजेज हैं न्यू और शेप्स हैं और इसमें क्या है वेब के हैं, तो यहाँ पे मैं देख दोस्तों लाइक का कर देता हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे रखना है मुझे वहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे ऐड, इसको बस देख लीजिए दोस्तों आपको लेयर वाले में रखना है क्योंकि ये एक प्रकार का एलिमेंट आगे, उसके बाद इसको भी आप एडजस्ट करना चाहो तो भी यहाँ से इसकी जो साइज है कम ज़्यादा रख सकते हो, सॉरी बहुत कम हो गई शायद आई थिंक। एंटरटेनमेंट पर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं दोस्तों कहाँ चला गया है, मैंने पूरा कर दिया शायद इसको, तो मैं वापस यहाँ से वेब वाला कर देता हूँ, ये यहाँ से को ड्रैग एंड ड्रॉप इंडियन टेक आ गया, तो उसके बाद बस मैं यहाँ से इसको भी कम कर देता हूँ थोड़ा, जैसे मैंने कम किया इसे ये यहाँ पे आ गया ये कम कर दिया मैंने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को और नेक्स्ट वाली टैब है जो है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पे देख दोस्तों आप एक स्क्रीन में दो तीन वीडियो चलाना चाहते हो तो वो यहाँ से चला सकते हो, तो कैसे करना है ये तो यहाँ पे खींच के यहाँ पे आपको वीडियो में ला देना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लाता हूँ, तो यहाँ पे लाने के बाद आपको पहली वाली स्क्रीन में कौन सा वीडियो दिखाना है, तो पहली वाली में ये दिखाना है मुझे, दूसरी वाली में अगर ये दिखाना है तो मैंने यहाँ पे ला दिया ये वाला, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई बॉर्डर, हाँ बॉर्डर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, बॉर्डर कलर ये वाला रख दिया ओके कर दीजिए, फिर देख लीजिए दोस्तों एक ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन टेक एंड एंटरटेनमेंट पर, दो ही वीडियो चल रहे एक स्क्रीन में, तो इनमें कुछ एडिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, देखिए दोस्तों इसमें कुछ में वॉल्यूम होगी और एक में अनम्यूट होगा और एक में म्यूट होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों में आवाज़ फिर कुछ कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है, तो ये देखिए दोस्तों एक में बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, एक में चार चला सकते हो, एक में चार ऐसे वाइड और एक में मतलब ऐसे चौड़े वीडियो भी चला जा सकते हो, अलग अलग इफेक्ट्स एनिमेशन है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो बस उसके बाद बात आती है यहाँ पे एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो अच्छी वाली क्वालिटी में,
सकते हो यहाँ पे MP4 में, अगर आप सीधा YouTube पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और MP4 में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी यही है। अगर आपको इनको दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे जो वीडियो साइज़ है वो मतलब बहुत ज़्यादा आती है, और आपका अगर आपका वीडियो बहुत कम मतलब साइज़ में बना हुआ है और वीडियो की लेंथ मतलब कम है और यहाँ पे साइज़ बहुत ज़्यादा आती है, और अगर आप इतना बड़ा वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप बड़ी से बड़ी फाइल्स को बहुत छोटी साइज़ में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो वो वीडियो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से वो भी वीडियो देख सकते हो आप दोस्तों। उसमें मैंने यही बताया कि अगर आपका वीडियो बहुत ही मतलब छोटा बना है और साइज़ ज़्यादा है तो वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो आप बहुत ही छोटी साइज़ में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, फुल होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।